हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि गाली वेरोनिका बनकर दोबारा मिनिक से मिलने जाती है, पर जब वो उससे उसका छाता मांगती है तो मिनिक उससे कहता है कि वो उसका छाता नहीं लाया, वो बस उससे मिलने का एक बहाना था क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। और तब गाली गुस्सा होकर वहां से जा रही थी, तभी मिनिक के पास तेजू का फोन आता है और वो मिनिक से कहता है कि वो अपनी न्यूज देखे, और उसकी बातें गाली सुन लेती है और वो अपने फोन में उसकी न्यूज देखती है और मिनिक के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। और वो उसे उस आदमी के घर ले जाती है जिसने वो पोस्ट इंटरनेट पर डाली थी, पर जब वो घर के डोरबेल बजाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी वहाँ नहीं है क्योंकि उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। और फिर वो वहीं पर उसका इंतजार करते हैं, और जब वो आदमी वहाँ आता है तो गाली मिनिक को बताती है कि वही आदमी है। और उसके वहाँ आते ही गाली वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उनके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड था और वो उसे पहचान लेता। और गाली के वहाँ से जाने के बाद मिनिक उस आदमी से कहता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि उसने अपने ड्राइवर को नहीं मारा, और क्या वो इंटरनेट पर अपनी पोस्ट को डिलीट कर देगा। और तब वो आदमी भी पोस्ट डिलीट करने के लिए मान जाता है। और अगले दिन जब गाली ऑफिस जाती है तो वो मिनिक को इग्नोर करती है, पर मिनिक उससे कहता है कि आज उनकी मीटिंग डायरेक्टर्स के साथ है इसलिए उसे उनके काम पर ध्यान देना होगा। और जब उनकी कंपनी के डायरेक्टर आते हैं तो मिनिक उनकी हाइट और हेयर स्टाइल से उन्हें पहचानने की कोशिश करता है, जिसमें गाली उसकी मदद करती है और वो सबको आसानी से पहचान लेता है। और उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिक का अंकल सब डायरेक्टर्स को मिनिक की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो अपने ड्राइवर पर हमला कर रहा है, पर मिनिक कहता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तब डायरेक्टर पार्क कहता है कि ये वीडियो भी तक सबके पास पहुंच गई होगी और कुछ समय बाद इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी, और क्योंकि आजकल अमीर लोग अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं इसलिए लोग उनके खिलाफ हैं, और उसने भी अपने ड्राइवर के साथ ऐसा ही किया है जिसकी वजह से उनकी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। पर तेजू मिनिक को डिफेंड करता है, पर बाकी डायरेक्टर्स मिनिक को उसकी पोजीशन से हटाना चाहते थे। और तब मिनिक उनसे पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहते हैं, और फिर वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि उसे अपनी पोजीशन बचाने के लिए 6 वोट चाहिए, और उनमें से उसकी मॉम और तेजू उसकी साइड पर है और 2 और डायरेक्टर उसके साथ है, और डायरेक्टर किम को वो अपनी साइड पर कर सकता है और 1 वोट उसका खुद का होगा जिससे उसके पास 6 वोट हो जाएंगे। और फिर वो सबसे कहता है कि वो वोट लेने के लिए तैयार है। फिर वो सब वोट लेते हैं और मिनिक के फेवर में 5 वोट आते हैं क्योंकि तेजू ने उसे वोट नहीं दिया था। और मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में वापस आता है और तेजू भी उसके पीछे आता है, और मिनिक उससे कहता है कि पहले वो खुद रिजाइन की बात कर रहा था और अब उसे उसकी पोजीशन से हटाना चाहता है, पर तेजू कहता है कि अगर उसने रिजाइन नहीं किया तो वो इलेक्शन तक उसकी गलतियां ढूंढते रहेंगे और उसे उसकी पोजीशन से हटाने की कोशिश करते रहेंगे। और वो कहता है कि 3 साल पहले भी उन्होंने उसकी बीमारी को यूज करके उसे हटाने की कोशिश की थी, और क्योंकि इलेक्शन होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं इसलिए वो कोई मीटिंग नहीं रख सकते, और अगर मीटिंग ओपन भी हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर उसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे। और तम्बी ने उससे पूछता है कि अगर उसे उसकी इतनी फिक्र है तो वो रिजाइन क्यों करना चाहता है। फिर तेजू अपने ऑफिस में जाता है और इलवांग उसे बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस ने उसे पूछा कि क्या वो उससे मिलने आया था, और उसने उन्हें सच बताया कि वो उससे मिलने नहीं आया था। दूसरी तरफ वो ड्राइवर देखता है कि वो USB उनकी नहीं थी बल्कि उनके जैसी थी। फिर हम देखते हैं कि मिनिक घर जाता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि वो तेजू को कंपनी से बाहर निकाल दे, और क्या 3 साल पहले उसके साथ जो हुआ उससे उसे अभी तक कोई सबक नहीं मिला है। तब हम देखते हैं कि 3 साल पहले जो मिनिक की सेक्रेटरी थी, मिनिक उसे लेकर डॉक्टर के पास गया था और उसने उसे कुछ दवाइयां लिखी थी जो प्रिस्क्रिप्शन उसकी सेक्रेटरी ने उसके अंकल को दी थी, और उसके अंकल ने उसे उसकी पोजीशन से हटाने के लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाई थी, और सबको ये कहा था कि वो अपनी कंपनी के लिए एक अनहेल्दी CEO को नहीं चुन सकते। और उसकी मॉम कहती है कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले ही रिजाइन कर दे और अपनी सेक्रेटरी तेजू और ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल दे। तभी गाली उससे मिलने उसके घर के बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में रिजाइन करने वाला है, और वो कहती है कि वो रिजाइन ना करे, पर मिनिक उससे कहता है कि उसके रिजाइन करने के बाद वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा पर कंपनी का एक डायरेक्टर रहेगा इसलिए उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर गाली कहती है कि वो ये उससे उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं बोल रही है, और वो कहती है कि जब वो उसके पास दोबारा उसे उसकी जॉब देने आया और उसकी बीमारी का कोई इलाज न होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है और सबकी हाइट और हेयर स्टाइल से सबको पहचान रहा है तो उसे लगता है कि वो एक अच्छा CEO बनने के लायक है इसलिए वो रिजाइन ना करे क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत प्राउड फील करती है। और अगले दिन मीटिंग में मिनिक सबको बताता है कि वो रिजाइन नहीं करेगा और वो हार नहीं मानेगा। फिर वो अपने ऑफिस में वापस आता है और गाली उससे कहती है कि पहले उन्हें अपना ऑफिस बदलना होगा क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई उनकी बातें सुन रहा है। और जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई ने मिनिक के कपड़े पहने हुए थे जो वो हॉस्पिटल से लाई थी, और जब वो उसे निकालती है तो उसमें से वो USB निकलती है जो मिनिक के पास थी। दूसरी तरफ गाली की बहन वेरोनिका की कंपनी में ऑडिशन देने जाती है, पर क्योंकि वेरोनिका तेजू के फोन का इंतजार कर रही थी इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखती और उसे बाहर भेज देती है। पर नामी कहती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसका ऑडिशन देखा ही नहीं, पर
वेरोनिका कहती है कि उसकी गलती है कि वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और वो कहती है कि अगर वो ऑडिशन के लिए आई है तो उसे उसका टैलेंट दिखाना चाहिए। तभी वेरोनिका के पास मिनी के अंकल का फोन आता है और वो वेरोनिका से कहता है कि इस बार वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जरूर आए, पर वेरोनिका उसे मना कर देती है। तब उसका अंकल कहता है कि ये मीटिंग देजू से रिलेटेड है और उसे पता चला है कि उन दोनों की डेट भी अच्छी भी थी, इसलिए उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए क्योंकि वहाँ वो देजू से मिल सकती है। तभी देजू भी उसे फोन करता है और उससे कहता है कि आज रात को वो उससे मिलना चाहता है। फिर गाली और मिनिक उनके ड्राइवर के साथ होटल में जाते हैं जहाँ वो 2 महीने तक रुकने वाले थे, और तब गाली मिनिक को उस USB के बारे में बताती है कि उसे उसकी USB उसके कपड़ों में मिली है, और उनकी बातें उनका ड्राइवर सुन लेता है। और जाते जाते गाली उससे कहती है कि अब उसे वहाँ आने की जरूरत नहीं है, पर वो उससे कहता है कि आज वो उसे घर छोड़ देगा और उसका नीचे इंतजार करेगा। फिर वो दोनों मीटिंग की तैयारी करते हैं और गाली मिनिक से कहती है कि वो अपनी स्पीच की शुरुआत सबसे माफी मांग कर करे। फिर थोड़ी देर बाद मिनिक की आंख लग जाती है और जब गाली उसे उठाती है तो मिनिक उसे वेरोनिका समझता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो गाली से पूछता है कि वो उसे वेरोनिका जैसी क्यों लगी, पर गाली कहती है कि उसे कैसे पता कि वो कैसी दिखती है जब उसने कभी उसका चेहरा देखा ही नहीं। फिर गाली कहती है कि वो घर जा रही है और मिनिक कहता है कि वो अब से यहाँ इस होटल में रहेगी क्योंकि अगर वो कम्फर्टेबल होगी तो वो अच्छी तरह काम कर पाएगी। और फिर वो होटल से बाहर जाता है और उसका ड्राइवर गाली के बारे में उससे पूछता है, पर मिनिक कहता है कि गाली घर नहीं जाएगी। फिर हम सीधा 2 महीने बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग का सीन देखते हैं जब गाली और मिनिक शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जा रहे थे, और मिनिक का अंकल सबको बताता है कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि मिनिक ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके अपने ड्राइवर को चोट पहुंचाई है। और तभी गाली खड़ी होती है और कहती है कि वो मिनिक की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती है। तभी वेरोनिका भी वहां आती है और कहती है कि वो भी उसका बयान सुनना चाहती है, और तब गाली को डर लगता है कि अगर मिनिक ने वेरोनिका को देख लिया या वो उससे मिला तो उसका झूठ उसके सामने आ जाएगा। और वो वेरोनिका से कहती है कि अगर वो सिर्फ यहाँ बैठने आई है तो वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसके लिए एक आम मीटिंग है पर उसके लिए उसकी जॉब का सवाल है। पर वेरोनिका कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो चाहे तो उसके बॉस को उसकी पोजीशन से हटा सकती है और उसकी पोजीशन बचा भी सकती है, और अगर वो अभी भी चाहती है कि वो वहाँ से चली जाए तो वो चली जाएगी। तभी मिनिक भी अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाता है और तब उसकी धड़कनें तेज होती हैं और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसे सबके चेहरे दिखने लगते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्योंग एवरीवन।